हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीथियम 250 mg टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ और बेनिफिट्स होते हैं, कैसे ये काम करती है यानी इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, कितनी खुराक पेशेंट को दी जाती है, क्या क्या इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है और कौन कौन सी चीज़ों के साथ इसका इंट्रैक्शन हो सकता है, जो चीज़ें या जो मेडिसिन आपको इस टैबलेट के साथ नहीं लेनी चाहिए, इन सारी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आएगा और इससे होने वाले कई तरह के नुकसान से भी बच पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में। तो जीथियम 250 mg टैबलेट में एजिथ्रोमाइसिन 250 mg की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो एल्केम हेल्थ साइंस कंपनी का ये प्रोडक्ट है और प्राइस के बारे में बात की जाए तो 6 टैबलेट का प्राइस 71 रुपये है। अब हम जान लेते हैं जीथियम 250 mg टैबलेट के यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में, इसके क्या क्या यूज़ होते हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो जीथियम 250 mg टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है। ये कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, यानी बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन हमारी श्वास नली से संबंधित होता है। इस इन्फेक्शन में पेशेंट को निमोनिया का इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है या फेफड़ों से रिलेटेड और कोई अन्य इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के इन्फेक्शन हो सकते हैं, उन इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए ये टैबलेट यूज़ की जाती है, जैसे कि ईयर इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, नोज इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, टाइफाइड फीवर, गोनोरिया का इन्फेक्शन और भी कई प्रकार के इन्फेक्शन हो सकते हैं, उन इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस टैबलेट को दिया जा सकता है। लेकिन ये आपके डॉक्टर्स पेशेंट की कंडीशंस को चेक करने के बाद ही प्रिस्क्राइब करते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। जीथियम 250 mg टैबलेट का मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे ये वर्क करती है। तो एजिथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलाइड ग्रुप की एक एंटीबायोटिक दवा है। ये बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है, जिसके कारण बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। इस तरीके से ये मेडिसिन वर्क करती है। अब हम जान लेते हैं इसकी खुराक के बारे में, कितनी खुराक पेशेंट को दी जाती है। तो एक एडल्ट पर्सन के लिए एक एक टैबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है और ये लगभग 3 दिन तक दी जाती है, लेकिन अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो ये 5 दिन तक भी दी जा सकती है। इसे खाली पेट तथा खाने के साथ दोनों तरीके से लिया जा सकता है, लेकिन आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पेशेंट की कंडीशन अलग अलग होती हैं। उन कंडीशंस को आपके डॉक्टर चेक करते हैं, चेक करने के बाद डोज प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि मरीज का वेट कितना है, मरीज की एज क्या है, पुरानी मेडिकल कंडीशंस क्या है, रोग की गंभीरता कितनी है, रोग का प्रकार क्या है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं जिनको आपके डॉक्टर्स चेक करते हैं, चेक करने के बाद ही डोज प्रिस्क्राइब करते हैं। इसलिए हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस टैबलेट को लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पेट में ऐंठन होना, दस्त लगना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, नोजिया वोमिटिंग होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, हृदय की गति इरेगुलर होना, इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस मेडिसिन से देखने को मिल सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में, आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को इस टैबलेट से एलर्जी होती है तो ऐसे पेशेंट को इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को लीवर से जुड़ी या किडनी से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी है तो ऐसे व्यक्तियों को भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को हृदय से संबंधित कोई गंभीर बीमारी है, जैसे कि हार्ट अटैक की समस्या है, हार्ट फेलियर की समस्या है, लो ब्लड प्रेशर की समस्या है या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो ऐसे पेशेंट को भी इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में ये दवा सेफ है, लेकिन हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए।
तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम जान लेते हैं इस टैबलेट के इंट्रैक्शन के बारे में, ये कौन कौन सी दवाइयों के साथ इंट्रैक्शन कर सकती है, जो दवाइयाँ आपको इस टैबलेट के साथ नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि अल्कोहल, अल्कोहल के साथ इसका इंट्रैक्शन हो सकता है और आपको कई तरह के साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट इससे हो सकते हैं, इसलिए अल्कोहल के साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुछ एंटी कैंसर दवाइयाँ हो सकती हैं, कुछ एंटी कोगुलेंट मेडिसिन हो सकते हैं, कुछ एंटी वायरल मेडिसिन हो सकती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन हो सकते हैं, कुछ लाइव वैक्सीन हो सकती हैं। इन दवाइयों के साथ इसका इंट्रैक्शन हो सकता है और आपको कई तरह के साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट इससे हो सकते हैं, इसलिए ये दवाइयाँ आपको इस मेडिसिन के साथ हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। तो ये थी जानकारी जीथियम 250 mg टैबलेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें और दवाइयों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।